हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ फाइल एंड कट ऑफ फाइल के चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर देखे थे। जो कोई मिस कर गए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। आज के इस चैप्टर में हम फाइल के स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड्स के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये इमेज फाइल के ग्रेड्स को दर्शाता है, इसी से ही क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फाइल्स आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। फाइलों को उनके देश अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए लेंथ एंड ग्रेड, ऑप्शन बी कट और शेप, ऑप्शन सी लेंथ ग्रेड कट एंड शेप, ऑप्शन डी ओनली कट। आंसर इज ऑप्शन सी लेंथ ग्रेड कट एंड शेप। क्वेश्चन नंबर 23। लेंथ ऑफ ए फाइल इज डिटरमाइंड बाय। एक फाइल की लंबाई देश द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए टिप टू हिल, ऑप्शन बी शोल्डर टू टैंग, ऑप्शन सी टिप टू हैंडल, ऑप्शन डी एज टू हैंडल। आंसर इज ऑप्शन ए टिप टू हिल। यह है उसका लेंथ, यह है टिप, यह है हिल, यहाँ से लेंथ कैलकुलेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय द। फाइल ग्रेड देश द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए स्पेसिंग ऑफ टीथ, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी लेंथ। आंसर इज ऑप्शन ए स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रैपिडली ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द रफ एजेस ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग। धातु की एक बड़ी मात्रा को तेजी से हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग ज़्यादातर नरम धातु की ढलाई के मोटी किनारों को ट्रिम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। आंसर इज ऑप्शन ए रफ फाइल। आंसर हो जाएगा रफ फाइल। क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच फाइल इज यूज्ड इन केसेस वेयर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। कौन से फाइल का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां भारी मात्रा में मेटल काटने में उपयोग होती है? ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी बास्टर फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। आंसर इज ऑप्शन बी बास्टर फाइल। बास्टर फाइल यूज होते हैं भारी मात्रा में मेटल काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following file is used to give a good finish on metal? It is useful for bringing the jobs close to the finishing size. निम्नलिखित में से किस फाइल का उपयोग धातु पर एक अच्छा फिनिश देने के लिए किया जाता है? यह जॉब्स को परिष्करण आकार के करीब लाने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी बास्टर फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेटल एंड टू गिवन ए गुड फिनिश। निम्न में से कौन सी फाइल का उपयोग धातु की छोटी मात्रा को हटाने के लिए और एक अच्छी फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी बास्टर फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। आंसर इज ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड टू ब्रिंग टू द एक्यूरेट साइज विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। फाइल के किस ग्रेड का उपयोग उच्च स्तर की फिनिश के साथ सटीक आकार में लाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी बास्टर फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल। आंसर इज ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल। क्वेश्चन नंबर 30। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द मोस्ट यूज्ड ग्रेड ऑफ फाइल्स आर। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ग्रेड फाइल है ऑप्शन ए बास्टर्ड, सेकेंड कट स्मूथ डेड स्मूथ, ऑप्शन बी रफ बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल स्मूथ फाइल, ऑप्शन सी
rough file, master file. Option D, rough and smooth file only. Answer is option A, bastard, second cut, smooth, dead smooth. यही सब भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार यूज होते हैं, एक्सेप्ट रफ फाइल. रफ फाइल यूज नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 फाइल शेप्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है. द शेप ऑफ फाइल यूजुअली स्पेसिफाइड बाय देयर. फाइल का आकार आमतौर पर उनके डेस्क द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है. ऑप्शन ए, क्रॉस सेक्शन. ऑप्शन बी, शेप ऑफ फाइल. ऑप्शन सी, कट ऑफ फाइल. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑप्शन ए, क्रॉस सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 32 द एजेस अलोंग द विड्थ ऑफ द फ्लैट फाइल आर पैरेलल अप टू डैश ऑफ द लेंथ. फ्लैट फाइल की चौड़ाई के साथ किनारों लंबाई के डैश तक समांतर है. ऑप्शन ए, टू थर्ड. ऑप्शन बी, वन थर्ड. ऑप्शन सी, हाफ. ऑप्शन डी, फुल लेंथ. आंसर इज ऑप्शन ए, टू थर्ड. एक फाइल में दिखा देते हैं कहाँ तक कैसे पैरेलल होते हैं. ये जो ये दूसरा फाइल है ऐसे होते हैं, ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक टू थर्ड पैरेलल होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 हैंड फाइल आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइलिंग एट डैश टू द फिनिश सरफेस. फिनिश सतह पर हैंड फाइल विशेष रूप से डैश फाइलिंग करने के लिए उपयोगी होते हैं. ऑप्शन ए, राइट एंगल. ऑप्शन बी, 45 डिग्री. ऑप्शन सी, कर्व्ड एंगल. ऑप्शन डी, फ्लैट सरफेस. आंसर इज ऑप्शन ए, राइट एंगल. हैंड फाइल राइट एंगल को फाइलिंग करने के लिए यूज होते हैं. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लाएंगे. थैंक यू.